नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा, भोजपुरी न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। तमाम जगहों पर जिस तरह का विवादित चीजें इस वक्त पूरी इंडस्ट्री में चल रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनाक वाक्य है। ऐसे में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आज मैं आप लोगों के सामने किसी का पक्षपात या किसी भी तरह की चीजों को लेकर आपके पास नहीं आया, बल्कि इसलिए आया कि जो आज भोजपुरी इंडस्ट्री में चल रहा है क्या वो ठीक हो रहा है। चलिए मामले को शुरू करते हैं और बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। सबसे पहले मैं बात करता हूं पवन सिंह की। पवन सिंह जो बिहार के किसी जगह पर जाकर एक स्टेज शो करते हैं, और कहीं ना कहीं शो के दौरान उन्होंने ये जरूर बगैर किसी व्यक्ति के नाम को लिए उन्होंने काफी कुछ कह दिया। सबसे पहले मैं चाहता हूं आपको वो वीडियो क्लिप देख लेनी चाहिए। देखिए यह वीडियो क्लिप। भोजपुरी में पहली बार पवन सिंह ने हिंदी लाया, भोजपुरी में पहली बार पवन सिंह ने पंजाबी लाया, भोजपुरी में पहली बार पवन सिंह ने अंग्रेजी लाया, भोजपुरी में लेवल क्या होता है ये पवन सिंह ने दिखाया। बाकी कोई बोलता है ये पहली बार वो पहली बार, अरे यार हम देखी ला तो हमके हंसी छूटेला। भोजपुरी में क्या हुआ है मुझे कुछ नहीं आता है, मैं सबसे छोटा हूं, लेकिन कभी कभी दीपक यार मजबूरी हो जाता है बोलना। कितना चुप रही आदमी, हम लाइव आके नहीं बोलते हैं कि मैंने ये किया मैंने वो किया, अरे यार हाई भाई हाई होता औ होता, अरे यार तोनी के का कर बस, जो पवन सिंह ने कर दिया है ना उसी पे रेंगे हो, जो पवन सिंह ने किया उसी पे रेंग रहे हो, और जो पवन सिंह करेगा उसी पे रेंगोगे। पहला ब्रांड पवन सिंह ही है, किसी का भी नाम आएगा पवन सिंह के बाद आएगा। पहली बार जो भी हुआ है भोजपुरी में लेबल आया पवन सिंह लाया है, पहली बार है। और पवन सिंह ही लाएगा भोजपुरी इंडस्ट्री में 100 मिलियन सबसे पहले कौन देखा है? आज मिलियन के लोग बात कर रहे हैं, मिलियन हो गया हाई हो गया हाउ हो गया, सबसे पहले भोजपुरी इंडस्ट्री में 100 मिलियन पवन सिंह देखा है, पवन सिंह ही दिखाया है। मैं इस मंच से यह भी बोल रहा हूं 5000-2000 में जाके दूसरे लैंग्वेज में लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मैं जो कुछ भी हूं जीरो हूं, आप सबका आशीर्वाद हूं, लेकिन मैं आज ये अनाउंस कर रहा हूं इस मंच पे, जो आप लोगों ने भी कल्पना नहीं किया होगा उसको भी नचाऊंगा भोजपुरी में। हमने अपने माँ बाप से बाबा से दादा से यही सीखा है यही सुना है। बाबू आप लोगों के भी हम बता दी, आम जब फल देला ना झुक जाता है, आम जब फल देता है तो झुक जाता है, वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं बड़ा हूं, वो ऐसे हो जाएगी। लेकिन गड़ाहा में ऋण जो होला ना ऋण का हालत होनी देने रे, वो ऋण का हालत होला री में भांग के जला दिया ला एक डढ़िया में तो उसको फरी ऐसे हो जाए। तो मैं आप सबका आम हूँ, चुप रहता हूँ साइलेंट रहता हूँ, लेकिन जिसको जो मजा चाहिए पवन सिंह का नाम ले लो, पवन भैया से आगे, पवन भैया से आगे, पवन सिंह से आगे, पवन सिंह से आगे जाने में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा बेटा। झमकौला से होई ऊंचा 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 हाउ खान इनका जरे गाना होता, अरे तोहनी के आज करत रस हम कहिए कह चुकल बानी, अभी कहां कहां करब तोहनी के कल्पना के नहीं जा सकत कहां कहां करिए पवन सिंह, उजा जाए में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। पवन सिंह नाम, माता पिता गुरु भगवान ऑडियंस यही मेरा मालिक है, एकरा बाद हम केहू के हइए समझी ला, यही मेरा मालिक है, मैं इन्हीं पांचों से डरता हूँ, बाकी दुनिया में कौन डरा ही रे। तो वीडियो क्लिप को देखने के बाद आपको अंदाजा लग चुका होगा कि पवन सिंह खुले मंच से किस तरह से बगैर किसी के नाम को लिए ही पूरे इंडस्ट्री पर एक सवाल खड़ा कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह जी की मेहनत से पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री है? कोई दूसरा व्यक्ति क्या इस भोजपुरी इंडस्ट्री को बनाने में अपना योगदान नहीं दिया? क्या पवन सिंह के इंडस्ट्री में आने से पहले भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं थी? मनोज तिवारी, रवि किशन, कल्पना जी, भरत शर्मा व्यास, कई ऐसे लोग हैं, मैं नाम गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। आज भी अगर कहा जाए उत्तर भारतीयों की तो छठ पूजा बहुत बड़ा छठ महापर्व कहलाता है,
अगर आप छठ घाट पर जाएंगे कोई गाना सुनने मिले या ना मिले, शारदा सिन्हा जी का गाना सुनने आपको जरूर मिलता होगा। तो क्या इन सभी व्यक्तियों का इस पे कोई योगदान नहीं है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन चीजों को लेकर जिस तरह से पवन सिंह जी का ये विवादित चीजें रही, कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम लोगों पर एक सवाल खड़ा करता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ किसी एक व्यक्ति की वजह से पूरी इंडस्ट्री है? नहीं, किसी एक व्यक्ति से। कल कोई और थे, आज कोई और है, कल कोई और होगा, ये संसार का नियम है। हां ये जरूर हम कहते हैं कि पवन सिंह की गायकी बहुत अच्छी है, पवन सिंह अच्छे खासे व्यूवर्स हैं उनके, एक अच्छे फैन फॉलोइंग, तगड़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन किसी और के फैन फॉलोवर को और किसी और के चीजों को सिर्फ हमसे ही स्टारडम है, हम ही शुरुआत किए हैं, ये चीज सब चीजें पवन सिंह को बिल्कुल शोभा नहीं देती है। तो पवन सिंह जी को इस तरह की चीजें खुले मन से नहीं करनी चाहिए था, कुछ अभद्र तरह से उन्होंने एक अलग ही प्रकार से उन्होंने एक गलत चीजें भी की जो स्टेज पर, ये सब चीजें शोभा नहीं देती है। कई लोग आपको फॉलो करते हैं, कई औरतें, कई महिलाएं, कई तरह के लोग, अच्छे बुरे सभी लोग आपको कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं, तो इस तरह की चीजें स्टेज से उनको शोभा बिल्कुल नहीं देता। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चीज का जब बात बढ़ा तो कहीं ना कहीं इस चीज के बारे में जब जानकारी मिली तो हमारे ट्रेंडिंग स्टार आप कह सकते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के खेसारी लाल यादव जी, जिन्होंने अपने इंस्टाग्राम से लाइव आकर पूरे तरह से उस स्टेज शो के खिलाफ जिस तरह पवन सिंह जी ने बोला उस पर कहीं ना कहीं खेसारी जी ने फिर रिप्लाई कर दिया। इन्हें रिप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि आपको किसी प्रकार से किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपने जवाब दिया, चलिए ठीक है। अब देखते हैं कि खेसारी जी ने क्या जवाब दिया। बहुत बुरा लगा मुझे कि ये है मेरे, क्या है बात, तेरा लगेगा वो, अरे भगवान ने जुबान दिया है, स्टेज की गरिमा का समझिए आप, अब स्टेज की गरिमा क्या होती है, बड़े हैं आप, आपके मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते, ये कर दिया तो दुनिया कर रही है, कुछ भी अपने मन में नाम, अपना मन में शाम सुना रलो कहे कि बुटना बाप मोले पानी में बेटा का ना पंडुकिया है, आ गई ना बैगने जर गई, सारा मुहावरा आप पे फिट होता है। और मेरे कुछ फैन नाराज थे कि आप नाम क्यों लेते हैं, अब नहीं लूंगा क्योंकि मुझे लगता था कि बड़ा और छोटा का सम्मान होता है, यहां पे सम्मान हमेशा रहेगी, बट किसी को लगता है कि वो मेरा नाम ले लेंगे तो हम स्टार बन जाएंगे, सॉरी हेलो, किस दुनिया में जीते हैं, आपके भी खानदान से कुछ लोग आते हैं, उनको क्या नहीं स्टार बना देते नाम लेके, आपके बस का है किसी को स्टारडम देना, आप खुद की जगह को बचाइए ना पहले, उसके बाद दुनिया को मत लीजिए नाम, बुलाई लो ना, सॉरी, और आप मेरे कंपटीशन में नहीं है, ना थे ना रहेंगे, कभी नहीं रखा मैं कंपटीशन में, और ये पूरी दुनिया जानती है, पहले अपने परिवार के लिए ईमानदार हो जाइए, अपने लोगों के लिए ईमानदार हो जाइए, आपके साथ इतने सारे लोग लिखते हैं, कितने लोगों का नाम दुनिया जानती है बताइए ना मुझे, मेरे साथ शुरू से लेकर चाहे कृष्णा बेदर्दी, महेश परदेसी, पवन पांडे से लेकर अखिलेश कश्यप से लेकर कुंदन प्रीत से लेकर आजाद से लेकर श्याम से लेकर कवि जी से लेकर जितने लोग मेरे साथ गाना लिखे मेरे साथ रहे, आज देखिए कितना खुश है, सुखी है, और पूरी दुनिया भी उनको जानती है क्योंकि मैं अपने साथ साथ सबकी पहचान बताता हूं, स्टेज पे जाता हूं तो उनको वो सम्मान देता हूं क्योंकि मुझे आता है, आपको सम्मान आता नहीं देने कहां से दीजिएगा, वो तो खून में नहीं है आपके, वो तो आपके विचारधारा में नहीं है सम्मान, 5000 में दूसरे भाषा के लिए लोग नाच रहे हैं गा रहे हैं, कौन नाच रहा है और कौन सी हिंदी की बात कर रहे हैं, आपसे पहले हिंदी कर चुका हूं मैं, ठीक है जाकर देख लीजिएगा कब का है, 2014 का ग्लोबल बाबा सिनेमा जानते हैं, पंकज त्रिपाठी जी हैं, अभिमन्यु जी हैं, माही गिल के साथ गाना किया था मैं, तो छोड़ दीजिए ये सब, मुझे खुशी इस बात की होती है कि मैं भोजपुरी भाषा को और कहां लेके हम लोग जाएं, मैंने उस विचारधारा पे बात किया था कि हम एक नंबर है दो नंबर है ये मायने नहीं रखता, हमारा भोजपुरी भाषा कहां है ये मायने रखता है, मैं इस शब्द पे बात किया था, मैं किसी को नीचा दिखाने वाला बात नहीं किया था भाई मेरे, आप जाकर मेरा वो वीडियो देखिए और सुनिए,
लेकिन वो तो करेंगे नहीं, दारू पी के कुछ भी बोलना उल्टा सीधा है, पागल हो गए हैं क्या जी आप, बुरबक ही करते रहते हैं है? सर दर्द होने लगा मेरा, दारू पी लेते हैं दिनों में, दारू रूपी के ये सब होता है। समाज को मेंटेन करना सीखिए। हमारा ज्यादा चिल्लाया वाला है, हम चिल्ला दे ना तो नस फट जाए, जा गई। सम्मान करता हूं तो सम्मान करवाना सीखिए। जो मुंडी नीचे किया ना स्टेज पे, वहीं से हमें दिमाग, तू तो जानते रहा कि ठेवनवा में दिमाग रहेला, तो के पता तो बा ना, आप गरिमा है, भाषा का गरिमा है, आप भोजपुरी समाज के धरोहर हैं। आप ये मत बोलिए कि हमने लकीर खींची है, का खींच ले बड़ा जले का, हाँ ये खींच ले बड़ो, लकीर नहीं क्या खींच ले भैया, हाँ ही खींच ले बड़ा, जितना खींचे के भाई, ये में तो तार इमें तो तरह के अवार्ड देवे के चाहिए है। भिखारी ठाकुर ने कुछ नहीं किया हमारी भाषा के लिए, वो तो ऐसा ही आई ले ड्रामा का भी चल गई ले। सरदार सिन्हा जी ने कुछ नहीं किया, आपने क्या किया है इन लोगों को बताना, लोगों को बताना पड़ रहा है आपको, तो फिर क्यों किया है? काहे मैंने कहा कि लोग के बतावे के पड़ता कि मैंने ये किया मैंने वो किया, लोगों को पता होना चाहिए आपने ये किया वो किया, क्यों पता नहीं है? ढेर पावर हो गई बा, ताकत हो गई बा, कुछ लोगों के ढेरे लागत है जो कुछ ज्यादा ही हो गई बा, तो जितना लोग के लागत है ना कि खेसारिया बहुत कमजोर बा, तो तू लोग हमारे से एक दिन लड़िए लो, एक दिन अखाड़ा पूरा भोजपुरी में अखाड़ा खोला जाओ उनके कुश्ती कर लिया, तब समझ में आ जाए केकरा लगे कितना ताकत बा। हम 5 बजे ले काम करने ऐसा ही हम फ्रस्ट्रेट बनी, हम रोज यही काम करते नहीं, वही में बेमतलब के कुछ भी है। आज रोमांटिक राजा रिलीज हुआ था, मेरा महंगा वीडियो बना है तो मुझे खुशी है इस बात का, हम कह रहे हैं ना, मुदस्सर खान जी ने कोरियोग्राफ किया, ठीक है आपको उन्होंने पहले किया तो अच्छी बात है ना, उसको अच्छा बोलिए, उसको और ऊंचाई दीजिए कि हमारे और भी भाई जो नीचे हम लोग से बाद में आए हैं इस दुनिया में, इस हमके बाद जो गा रहे हैं वो लोग भी बड़े बड़े चीजों को लेकर आए, उसको अप्रिशिएट करिए। हमने जो किया हमने जो किया हमने क्या क्या किए, घेवड़ा किया कुछ नहीं, मतलब किया छोड़िए जाइए महाराज, हम पागल आदमी से बात कर रहे हैं, हम तो जानते हैं, हम आज भी सम्मान करते हैं कल भी करेंगे, वो हमारे खून में है, हमारे खून में है, हम सम्मान करते हैं लोगों के, आपके पैर छूने से मैं छोटा नहीं होता और ना ही हुकूंगा, वो आपका नेचर है जो आप मुझे कंपटीशन में रखते हैं, बट मैं आपको नहीं रखता कंपटीशन में, रखने के लिए उस लायक भी लोगों को होना चाहिए, कंपटीशन में मैं नहीं रखता, मुझे मेरी कंपटीशन खुद से होती है, ठीक है। हंसी आ रहा है मुझे, नहीं इतनी अहंकार के साथ स्टेज शेयर ना करें आप प्लीज, और दुनिया को ये बताने की जरूरत जिस दिन आपको पड़ी कि मैंने ए किया मैंने ओ किया, उस दिन आप कुछ नहीं किए, ये दुनिया को बताने की जरूरत पड़ रही है आपको, करिए अच्छी बात है, हमें तो खुशी होती है कि हम लोग जब अच्छे लेवल पे अच्छे दूसरे भाषा के लोग हमारे बीच में हमारी भाषा को गाते हैं भाषा को बोलते हैं, तो हमें तो खुशी है कि भाई हमारा भाषा बड़ा हो रहा है, हमारी भोजपुरी बड़ी हो रही है, वहां खेसारी माने खेसारी से भोजपुरी है कि किसी अदर आदमी से, कि आपसे भोजपुरी है, भोजपुरी का अलग स्थान है, भोजपुरी में हम है और भोजपुरी से दो रोटी खाते हैं हम, भोजपुरी के लोगों का प्यार पाके,
तो ये अहंकार कोई ना पाले कि उसके वजह से भोजपुरी का अस्तित्व है। सॉरी, हेलो, आप पहले पैदा हुए थे कि भोजपुरी पहले पैदा हुआ था? हम इस दुनिया में आए हैं एक भोजपुरी समाज में पैदा होकर, लेकिन हम भोजपुरी समाज में पैदा हम हुए हैं, हमसे भोजपुरी पैदा नहीं हुआ है। इस भोजपुरी समाज में हमारे बाप को भी पैदा किया है। ये कौन सा है कि हमने लकीर लका लकीर लकीर खींचे? इतने हमारे जो महापुरुष हैं, विष्णु ओझा से लेकर भरत शर्मा जी से लेकर कमलवास कुंवर तक, ये जितने भी भोजपुरी के भाषा, कमलाकांत मिश्रा हो या गौतम तूफान जी हो या महात्म तिवारी जी हो, बलिराम बाबा हो, विजेंद्र गिरी हो, चाहे ये जितने भी धरोहर हैं हमारे धरती के, महेंद्र मिश्र से लेकर हनुमान पठा तक, भरत शर्मा से लेकर गोपाल राय जी से लेकर मदन राय जी से, विष्णु ओझा जी से लेकर, ये जितने भी हमारे धरोहर हैं, ये इन्होंने कुछ नहीं किया। आपने लकीर खींचा क्योंकि आप सबसे पहले पैदा हुए। ये लोग तो आपके बाद में, आप तो गोद में सब लोग खेले हैं। भिखारी चाचा भी को गोद में खिलाए हैं आप, क्या दारू पी के कुछ भी। तो ये था वो वीडियो जिसे देखने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से खेसारी जी नाराज हैं। हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह की चीजें उन्होंने की है, कहीं ना कहीं आपको खेसारी जी हर वक्त पवन जी को हमेशा सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं कि हमारे बड़े भाई हैं, हमारे सीनियर हैं। तो उन चीजों को लेकर भी खेसारी जी ने अपनी ओपिनियन को रखा कि मैं हमेशा से मानता हूं और हमेशा रहेगा भी। उन्होंने ये भी कहा है वीडियो में कि मैं आपको मानूंगा, लेकिन जो आज से आपने कहीं ना कहीं एक चीजें हैं जो ये विवादित चीजें, कहीं ना कहीं इन चीजों को समझने की जरूरत है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं पूरी इंडस्ट्री में एक अलग ही माहौल क्रिएट कर रहा है। आने वाली पीढ़ी को क्या आप लोग स्टार होकर ये चीजें गिफ्ट परोसने जा रहे हैं? ये चीजें आप परोसेंगे अपने आने वाली पीढ़ी को? सोचने वाली बात है। हर एक के घर में, हर एक के घर में माँ बहन सब होती हैं, हमारे घर में भी हैं, आपके भी होंगी और जितने भी लोग हैं उन सबके घर में, लेकिन इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए इंडस्ट्री, क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर हो। आपके पब्लिक फिगर होने पर कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें, जब आप वहां पर आ रहा है, वो चीजें पब्लिक के बीच में जा रहा है, तो आप सोचिए इसकी, इसका क्या असर, कहीं ना कहीं आपके फैन फॉलोइंग पर भी इस चीज की असर पड़ेगी। अब चलिए, ये दो स्टार जब आपस में किसी मिसअंडरस्टैंडिंग, समझिए, या जानबूझकर एक साजिश के तहत ये सारी चीजें चल रही है, इसमें अब समर जी भी कूद पड़े। समर जी ने कल अपने फेसबुक पोस्ट पर लिख दिया, कल हम आपको बताएंगे। मैं हिंदी में बोल रहा हूं, ये भोजपुरी में, ये रहा स्क्रीनशॉट, देख सकते हैं आप। मैं आपको बता दूं, 21 घंटे पहले उन्होंने ये मैसेज किया था। आज का एक खबर वीडियो जो हमें मिल रहा है उसमें ये चीज बता रहा है कि 150 आदमी को लेकर खेसारी जी के फिल्म सेट पर अमर सिंह पहुंच गए उनको, उनके साथ फाइट करने के लिए, मारपीट करने के लिए। क्या ये है भोजपुरी इंडस्ट्री? इस इंडस्ट्री के लिए आप लोग ऐसे कर रहे हो? इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेजेंड टाइप के जो एक्टर्स हैं, उनको मत बदनाम करो यार। आप लोग ये शोभा नहीं देता। आपको पता होगा ना, इसी देश में दाऊद इब्राहिम भी रहे करते थे एक टाइम, कहाँ है अभी पता नहीं है ना। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में जिसके नाम से लोग डरते थे, कहाँ है आज। कृपया करके इस तरह की चीजें ना करें। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ इतना था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो चल रहा है, ये अगर आप करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ही नुकसान होगा। रही बात इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री आपके आने से पहले थी, आपके आने के समय भी है और आपके आने के जाने के बाद भी होगी। तो प्लीज ऐसी चीजों में ना पड़े, काम पे फोकस करें। आप सभी को बहुत सारे लोग बहुत सारा प्यार करते हैं, तो उन सब के बारे में भी आप सोचिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भोजपुरी।